तो गाइज़ क्या हालचाल अच्छा बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनका आज एग्ज़ाम है तो डी का आज एग्ज़ाम है आपको पता है डी का एग्ज़ाम तीन शिफ्ट में लिया जा रहा है पहला शिफ्ट जो है वो साढ़े नौ बजे से ग्यारह बजे तक है तो आप सभी लोग जो हैं वो साढ़े ग्यारह बजे एक हमारा एनालिसिस है एनालिसिस में देखो क्या फ़ायदा है मैं ये बोलूँगी कि एस एस के जितने भी स्टूडेंट हैं और डी के हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं वो आज सारे ग्यारह बजे इलेवन थर्टी इंजीनियर सटे ट्वेंटी फोर सेवन पर जरूर आएंगे क्योंकि इससे आपको आइडिया मिलेगा कि क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है क्योंकि अभी जो है इंजीनियरिंग में इतनी कोई बहुत बड़ी एग्जाम नहीं हुई है अगर हम स्टेट एग्जाम्स को छोड़ दें इस साल तो अब क्या है कि आपको एक आइडिया लेना होगा ना कि जो वन डे एग्जाम्स हैं उनमें क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं तो दैट इज़ द थिंग तो आप लोग प्लीज़ साढ़े ग्यारह बजे आएंगे सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है Uh, आपका खगोल में खगोल तो पटना में यार पटना का यहाँ पे एड्रेस बताओगे तो हम एकदम इमोशनल हो जाएंगे बोलेंगे ना हमको घर जाना है आज ही तो गाइज़ ठीक है ओके कमेंट सेक्शन में बता दीजिए अच्छा बेटा आपका फर, सेकंड शिफ्ट में मैं एक और बात बोलूँगी कि जिनका फर्स्ट शिफ्ट में है ना बेटा रिकॉर्डेड क्यों लग रहा है आ, जिनका फर्स्ट शिफ्ट में है वो प्लीज़ प्लीज़ मुझे अपना नंबर भेज दो मैं कॉल करने वाली हूँ आज तो आप लोग अपना नंबर मुझे भेज दीजिएगा करंट अफेयर्स बाई कीर्ति पांडे आप सर्च कीजिएगा वहाँ पे आप अपना नंबर भेज दीजिए मुझे ठीक है और मैं आज आपको कॉल करूँगी खुद स्वयं अपने नंबर से और बोलेंगी हेलो एवरीवन तो कैसा गया, गया आपका एग्ज़ाम आप मुझे बताइएगा कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया और साथ ही साथ मुझे ये भी बताइएगा कि यार कैसे क्वेश्चन आए ताकि दूसरे जो स्टूडेंट हैं जो हमारे प्यारे प्यारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं उनको फ़ायदा हो जाए थोड़ा सा क्या कहते हो सेकंड uh, शिफ्ट में अमन कुमार तुम सेकंड शिफ्ट में मेरे को कॉल कर लेना प्लीज और uh, सारे क्वेश्चंस याद रहने चाहिए एग्जाम निकलने के बाद क्वेश्चंस भूल जाते हैं ठीक है अर्पित आपको मैं कॉल कर लूँगी आप अपना नंबर दे दीजिएगा यहाँ कमेंट सेक्शन में मत दीजिएगा वरना और भी बहुत लोग आपको कॉल कर लेंगे और आप अपना एग्जाम कब है और शिफ्ट कौन सा है वो मुझे बता दीजिएगा मुझे आज सुबह के शिफ्ट वाले स्टूडेंट्स का नंबर चाहिए बेसिकली तो हो सकता है कि बहुत लोग तो मुझे देख ही नहीं रहे हो क्योंकि आठ बज चुके हैं साढ़े नौ बजे से एग्जाम है तो आज तो देखेंगे नहीं मुझे तो लेकिन अगर आप में से कोई भी हैं ऐसे स्टूडेंट तो आप प्लीज़ मुझे कॉल करेंगे ठीक है तो विश यू अ वेरी 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 ऑल द बेस्ट यकीन मानिए मुझे आप लोगों पे आपसे ज़्यादा भरोसा है मुझे पता है कि देखो मैं जानती हूँ ना कि तुम लोग इतने बड़े जुगाड़ू स्टूडेंट हो इतने बड़े जुगाड़ू स्टूडेंट हो कि आजकल का जो जनरेशन है वो स्वैग में रहता है अरे मैडम आपको अभी क्या चाहिए लैम्बॉगनी गाड़ी चाहिए ऑडी चाहिए फड़ा अभी जुगाड़ हो जाएगा मेरे फ्रेंड के फलाना के फलाना के फलाना समथिंग समथिंग उनसे मिलवा लू उनसे बुलवा लूंगा वो आ जाएंगे कोई मंत्री है कोई विधायक है कहीं ना कहीं से तुम जुगाड़ करके कहीं ना कहीं से तुम कॉन्टैक्ट करके काम करवा ही लेते हो आई नो दैट आई नो दैट तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जो तुम्हारे पास दिमाग है ना इस जनरेशन के पास जो दिमाग है जो आप लोग इतना कुछ भी जुगाड़ कर लेते हैं वो दिमाग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और वो दिमाग हिस्ट्री बनाएगा वो इतिहास क्रिएट करेगा वो दिमाग दिमाग तो अब मैं बस ये चाहती हूँ कि वो जो इतनी सारी एनर्जी इतनी सारी एनर्जी है उसको हम एक जगह चैनलाइज कर दे उसको हम एक जगह चैनलाइज कर दे और बोले कि ये जो एनर्जी है ना ये जो तुम दिमाग लगाओगे वो हेड़ा फेड़ी के राजू वाला वो दिमाग क्यों ना एग्जाम में चैनलाइज कर दिया जाए वही दिमाग उठा के एग्जाम में आप करो और एग्जाम निकल जाएगा सही बात है सही बात है ना क्या लगता है हमको तो लगता है कि हम तुमको कुछ भी बोलेंगे कुछ भी बोल लेंगे वो काम तुम कर दोगे अगर तुमको चैलेंज करके बोल दे कि फलाना फलाना जगह के सी बन जाओ तुम वो भी काम कर दोगे तो इसीलिए आप लोग प्लीज आ, इस पर का, काम करें मैडम स्टेट में ऑर्डिनेंस गवर्नर लाता है पर केरला गवर्नमेंट गवर्नर को चांसलर की पोस्ट से हटाने का ऑर्डिनेंस कैसे हिला सकता है चांसलर की पोस्ट से अच्छा 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 ठीक है केरला में कुछ विवाद हो रहे हैं देखिए क्या होता है कि जब तक मंत्री जो है जैसे केरला में आरिफ मोहम्मद का अभी विवाद चल रहा है जब तक मंत्री जो है वो कॉन्फिडेंस में है यानी कि उनके पास वोटों की संख्या ज्यादा है तब तक उनका कोई कुछ नहीं कर सकता और इवन गवर्नर को ये पावर नहीं दिया गया है मंत्री जो है वो इट डज नॉट वर्क ऑन द प्लेजर ऑफ द गवर्नमेंट तो गवर्नर बेसिकली कहा जाता है कि जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं या मंत्री हैं ही वर्क्स ऑन द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट इन देंटर एंड प्लेजर ऑफ द गवर्नर इन द स्टेट लेकिन एक्चुअली अगर आपने मैं सब प्लिटी पढ़ी होगी ट्वेंटी वन क्लासेस तो आपको पता होगा जो असली सरकार है जो ये प्लेजर ऑफ प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के पीछे हैं जो प्लेजर ऑफ गवर्नर के पीछे वो असली सरकार कौन सी है वो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसके पीछे ये प्रैक्टिकल अप्रोच है तो अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसके पीछे है तो गवर्नर या प्रेसिडेंट खुद से नहीं हटा सकते हैं पर हाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर बोलेंगे तो वो हटा सकते हैं केरला में क्या चल रहा है कि आरिफ मोहम्मद जी को थोड़ा सा इन्फ्यूजन हो गया है तो वो खुद से ही स्टेप ले रहे हैं है ना तो दैट इज़ द थिंग और उसी को लेकर ये वहाँ पे बात चल रही है जहाँ तक ऑर्डिनेंस की बात है बेटा ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट करते हैं है ना और स्टेट में आपके गवर्नर करते हैं तो ऑर्डिनेंस हमेशा प्रेसिडेंट लेकर आते हैं आर्टिकल नंबर वन टू थ्री और स्टेट में ये गवर्नर लेकर आते हैं टू वन थ्री और इसमें भी ऐसा कुछ मतलब कोई बहुत बड़ी पावर नहीं है इसमें ये भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के उसके पीछे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ही रहता है बात तो प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलते हैं कि देखिए क्योंकि सेशन अभी नहीं है सेशन अभी नहीं है ना लोकसभा का सेशन चल रहा है ना राज्यसभा का सेशन चल रहा है या फिर राज्यसभा का चल रहा है लोकसभा का नहीं चल रहा है या फिर लोकसभा का चल रहा है राज्यसभा का नहीं चल रहा है तो इफ इदर ऑफ द टू हाउस इज नॉट इन सेशन और बोथ द हाउस इज नॉट इन सेशन और उस समय कोई विधायक कोई विधेयक का बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ भी चीज जो है वो पास करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है तो प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलते हैं सेंटर में और गवर्नर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलते हैं स्टेट में कि आप ये जो अध्यादेश है इसको आप पारित कर दीजिए यानी कि आप इसको पास कर दीजिए और ये बन जाएगा आपका ऑर्डिनेंस और ये ऑर्डिनेंस ये ऑर्डिनेंस अगर सेशन में हाउस आ गया अगर सेशन में हाउस आ गया ठीक है तो उस हाउस को लोकसभा और राज्यसभा को इस ऑर्डिनेंस को सिक्स वीक के अंदर फोर्टी फाइव डेज के अंदर या डेढ़ महीने के अंदर जो भी बोल लो एक ही बात फोर्टी फाइव डेज बोल लीजिए या डेढ़ महीने बोल लीजिए उसके अंदर अंदर पास कर देना है अब इससे एक सवाल आता है कि एक भी ऑर्डिनेंस का एक ऑर्डिनेंस का बहुत बड़ा लाइफ सबसे मैक्सिमम लाइफ क्या हो सकता है एक ऑर्डिनेंस का मैक्सिमम लाइफ क्या हो सकता है तो आप बोलेंगे कि देखिए मैम एक सेशन के बीच में ठीक है और दूसरे सेशन के बीच में छह महीने का गैप होना चाहिए दो सेशंस के बीच में कितने महीने का गैप होना चाहिए छह महीने का गैप होना चाहिए तो ये जो छह महीने का गैप है ये होना चाहिए मैक्सिमम टाइम पीरियड क्या होना चाहिए सिक्स मंथ तो सिक्स मंथ प्लस सिक्स वीक सिक्स मंथ प्लस सिक्स वीक है ना तो इसीलिए सिक्स मंथ और सिक्स वीक एक ऑर्डिनेंस का लॉन्गेस्ट लाइफ पीरियड होता है ठीक है तो ये एक डाउट था हिमांशु कुमावत जी को होपफुली अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा और अच्छा क्वेश्चन था तो इसलिए मैंने आपको डिस्कस कर दिया मुझे लगा कि इस इसके फैक्ट्स जो हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे तो अब शुरू करते हैं कहानी को ठीक है वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरी ऑर्डिनेंस कैंसिल नहीं होगा एक बार वो बोल बोलें तो पा, आ, पास हो ही जाएगा ठीक है चलिए तो अब है अब हम बात कर ले थोड़ा सा इस क्वेश्चन के अप्रोच के बारे में एक सेकेंड तो लेट्स बिगिन द सेशन हाँ जी लेट्स बिगिन द सेशन तो फर्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन तो जो बूढ़े लोग होते हैं उनके लिए कोई इंटरनेशनल डे है है ना वृद्ध व्यक्ति और होपफुली आपको भी अपने दादा दादी लोगों से नाना नानी लोगों से काफी ज्यादा प्रेम होगा मुझे भी याद आ गया मैं भी आज अपने नाना जी को कॉल कर लूँगी कर लेना चाहिए उनके लाइफ में ऐसा कुछ मतलब एक होता है ना कि बहुत बड़ा स्पार्क नहीं है अगर आप उनको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा तो उनको भी अच्छा लगेगा तो ये है फर्स्ट अक्टूबर नेक्स्ट आप देखेंगे नेशनल पेंशन दिवस तो पेंशन दिवस कब मनाया जाता है हाँ तीन सेशन होता है बजट सेशन होता है मॉनसून सेशन होता है विंटर सेशन होता है पेंश पेंशन दिवस बोलता है डोंट टेक टेंशन यू विल गेट पेंशन ये फर्स्ट अक्टूबर को मनाया जाता है वेजिटेरियन डे शाकाहारी दिवस मुझे पता है बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे शाकाहारी हैं ठीक है तो शाकाहारी लोग जो हैं वो एक अक्टूबर है बस बाकी दिन फिर तुम मटन खाना इंटरनेशनल कॉफी डे कॉफ़ी डे अच्छा आप लोग को कॉफी पसंद है क्या डो यू लाइक कॉफ़ी पी ही सकते हो ज्यादा नहीं पीना चाहिए आई विल नॉट रिकमेंड टी और कॉफी लेकिन हाँ अगर तुम कुछ प्रोटीन वाली चीज पी लो दूध हॉडलिक्स बोर्नबीटा ज़्यादा अच्छा है ठीक है तो आपके दादा दादी नहीं है, कोई बात नहीं तो आप पढ़ाई कीजिए उनको याद कीजिए उनका आशीर्वाद आपके साथ है ब्रेस्ट कैंसर ब्रेस्ट कैंसर के लिए एक दिवस एक महीना है जिसको जागरूक के लिए मनाया जाता है कि आप लोग जागरूक होइए और ये जो स्तन कैंसर है महिलाओं में बहुत कॉमन हो गया है और uh, क्या होता है कि हमारे देश में एक तो टैबू वाला भी प्रॉब्लम है कि हम लोग बात नहीं कर पाते अब जैसे मैं साइकिल है पीसीओ का जो बीमारी है बहुत कॉमन हो गया है या ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है तो आपको पढ़ाने का मेरा मेन उद्देश्य ये भी है कि अगर आप पढ़े लिखे लोग समाज में रहते हैं और आपको पता है कि ये सारी चीजें होती हैं तो आपसे कोई महिला या आपसे कोई भी पुरुष अपने इन प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने में झगझाए जिख मतलब हेजिटेट ना करें और साथ ही साथ आप उन चीज़ों को समझें आपको पता होगी क्या इनिशिएटिव लेना है तो इन चीज़ में थोड़ा जागरूक रहिएगा ऐसे पढ़ने का भी कोई फायदा नहीं है कि हम पढ़ के बहुत बहुत पढ़ के बहुत प्रख्यात व्यक्ति बन गए और समाज में, में मेरा कोई योगदान नहीं है तो बेसिकली हर एक हर एक डिस्कवरी uh, हर एक uh, जितने भी इन्वेंशन होते हैं वो दैट इज फॉर द सोसाइटी द बिगर पिक्चर इज द सोसाइटी ऑलवेज बी द पार्ट ऑफ इट ठीक है चले बढ़िया अक्टूबर ऑक्टूबर मंथ में होता है मोदी जी ने सीएनजी एन टर्मिनल का अभी शिलान्यास किया है फाउंडेशन स्टोन रखा है ये गुजरात में रखा गया है छत्तीसवा नेशनल गेम्स शुरू हो गया है मोदी जी ने मोदी जी ने छत्तीसवा नेशनल गेम्स शुरू कर दिया है तो ये कहाँ पे शुरू किया गया है अहमदाबाद में शुरू किया गया है मीराबाई चानू ओलंपिक मेडलिस्ट हैं और इन्होंने नेशनल गेम्स में भी एक मेडल जीता है कौन सा मेडल जीता है मीराबाई चानू ने तो मीराबाई चानू ने बिल्कुल गोल्ड मेडल जीता है हाँ तेजस्वनी कह रही है कि साइकिल इज मैं इेगुलर तो बिल्कुल ये सब प्रॉब्लम्स होते हैं और आपको पता होना चाहिए कि इसका आप सोल्यूशन जो है वो यही है कि तुरंत उसको कंसल्ट कराया जाए डॉक्टर से तो अगर आपके आसपास कोई ऐसी महिला है तो उनको जरूर आप कंसल्ट कराएं बीमारी छुपाने से और बढ़ेगी है ना तो लता मंगेशकर चौक लता मंगेशकर जी के नाम पे एक चौक रखा गया है ये चौक जो है ये सड़ियू नदी पे रखा गया है तो कौन सी नदी कहाँ पे है आपको पता होना चाहिए जैसे हड़प्पा नदी हड़प्पा शहर के किनारे कौन सी नदी है रावी नदी है या फिर इंदस नदी के किनारे मोहन लता मंगेशकर चौक सरयू नदी पे है उत्तर प्रदेश में ये है ठीक है टाइम्स हंड्रेड इमर्जिंग लीडर्स लिस्ट तो हंड्रेड इमर्जिंग लीडर जो हैं उनमें से टाइम्स के नाम टाइम्स में आकाश अंबानी जी का नाम है आकाश अंबानी देखिए आकाश अंबानी जो है लीडर है है ना और काफी लकी हैं आकाश अंबानी क्योंकि अंबानी फैमिली में लेकिन आप लोग ज्यादा लकी हैं क्योंकि जब मूवी देखो मान लो हो सकता है कि हम आप लोग मूवी देखते हैं तो मूवी में क्या होता है कि कोई हीरो है जो कि थोड़ा ज्यादा अमीर नहीं है गरीब है और उसने स्ट्रगल किया और उसके बाद वो बहुत अच्छे जगह पहुंच गया तो आपको नहीं लगता कि आपके स्टोरी के हीरो जो हैं वो आप ही हैं यू आर ओनली द हीरो तो इसीलिए आप लोग अपने आप को लकी मानिए कि आपको इतना अच्छा मौका मिला है कि अभी आप स्ट्रगल करेंगे गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा और फिर लाइफ जो है बहुत एकदम हीरोइक हो जाएगी है ना हु हैज स्टॉप्ड आईआईएफएल वेल्थ रोड लिस्ट फोर्टी एंड अंडर सेल्फ मेड रिच लिस्ट तो सेल्फ मेड रिच ये लिस्ट में अभी टॉप किसने किया है निखिल कामत जी हैं इन्होंने टॉप किया है एआईएफएफ तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने लॉन्च किया है फुटबॉल डेवलपमेंट स्कीम तो फुटबॉल डेवलपमेंट स्कीम इसको लॉन्च किया गया है ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है गुजरात है आंध्र प्रदेश है अरुणाचल प्रदेश है और उत्तराखंड है उत्तराखंड में तो नहीं किया गया है तो अरुणाचल प्रदेश में ये फुटबॉल को बच्चों के अंदर फुटबॉल खेलने का ये उत्साह बढ़ाया जाएगा और फुटबॉल के लिए स्कीम अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया है अगर आप टूरिज्म का स्टैटिक्स रिपोर्ट देखेंगे 2022 का तो सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा फॉरेन टूरिस्ट आते हैं फॉरेन टूरिस्ट गाइस कहाँ पे आते हैं फॉरेन टूरिस्ट बोले तो कि विदेश से लोग आते हैं भाई घूमने के लिए तो विदेश से जो घूमने के लिए आते हैं वो महाराष्ट्र में आते हैं और आप लोग का क्या मन है अच्छा अगर इंडिया में कोई एक जगह बताया जाए बट फॉर्म रिजेक्ट हो गया कोई बात नहीं कोई बात नहीं अगले एग्जाम की आप तैयारी कीजिए तुरंत जो होता है ना तो मैं एक बात बताती हूँ एक छोटा सा स्टोरी है, ऐसे तो आप लोग को पता है टाइम का थोड़ा सा अभाव है लेकिन एक छोटा सा स्टोरी है एक हमारे फ्रेंड है तो उन्होंने लॉ किया ठीक है अब लॉ करते करते एक आ, कॉलेज में वो लॉ कर रहे थे और लास्ट ईयर था ठीक है लास्ट ईयर में अब एग्ज़ाम देना था फाइनल ईयर तो आपको पता है कि इंटीग्रेटेड लॉ पाँच साल की होती है तो तीन साल ग्रेजुएशन का होता है और उसके बाद फिर उसी में इंटीग्रेटेड लॉ हो जाता है और आपको एलएलबी की डिग्री मिल जाती है अब इनके जो कॉलेज में कुछ ना कुछ हो जाता है कभी ना कभी कुछ भी हो सकता है तो एक विवाद हो गया तो एक विवाद हो गया जिसके तहत एक किसी बच्चे ने सुसाइड कर लिया तो अब जब ये सुसाइड कर लिया गया तो कुछ लॉज कुछ स्ट्रिक्ट हो गए लॉ कॉलेज में और कहा गया कि जिनका सेवेंटी फाइव परसेंट अटेंडेंस है सिर्फ उनको ही परमिशन मिलेगा सिर्फ उनको ही परमिशन मिलेगा कि वो अपना एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करेंगे तो अब इनका क्या हुआ परमिशन तो नहीं मिला क्योंकि सिर्फ दो अटेंडेंस दो दिन का अटेंडेंस कम था और सेवेंटी थ्री पॉइंट कुछ परसेंट अटेंडेंस था और दो दिन का अटेंडेंस के कारण एग्ज़ाम में अटेम्प्ट होने का जो अपॉर्चुनिटी है वो नहीं मिला फिर डायरेक्टर से बात हुई सबसे बात हुई हायर अथॉरिटी से और कहा गया डायरेक्टर भी बहुत इमोशनल हो गया लेकिन बोला उसने कि मैं समझ रहा हूँ यू आर लाइक माई किड लेकिन आई कैन नॉट डू एनी फॉर यू ना तो हम आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब क्या हुआ ये जो हैं वो कॉलेज के के बाहर पे बैठ रोने लगे ठीक है और उनका फाइल उनके पास था और वो बैठ के रोने लगे और क्या होता है कि आप लोग उस समय कितनी सारी चीजें समझते हैं जैसे आप लोग बीटेक किए हुए हैं आप लोग डिप्लोमा किए हुए हैं अगर मान लीजिए कि मम्मी पापा बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं मुझे पता है मिडिल क्लास फैमिली से मैं भी हूँ और हम लोग क्या करते हैं कि एक भी एग्जाम अगर हमारा मिस हो गया और एक साल का फीस और एक्स्ट्रा देना पड़ा एक साल का फीस और एक्स्ट्रा देना पड़ा तो कितना बड़ा बर्डन होता है क्योंकि चार लाख का लोन हम लोग लेते हैं इंजीनियरिंग करने के लिए चार लाख यानी कि हर साल एक लाख लगेगा अब मान लीजिए एक साल और आपको देना पड़ा एक लाख रुपये और लगेगा और मतलब शायद किसी के लिए बहुत बड़ी बात नहीं होगी लेकिन किसी किसी के लिए बहुत बड़ी बात होगी है ना तो बस मैं तुरंत इसको समप कर रही हूँ इस स्टोरी को बस थोड़ा सा सुन लीजिए तो ये जो है इन्होंने सारी बातें सोची और इन्होंने सोचा कि अब खत्म अब शायद मुझे भी ड्रॉप करना पड़ेगा पता नहीं मुझे क्या करना पड़ेगा है ना इसीलिए बाहर बैठ के रोने लगे और बहुत लोग उनसे क्रॉस किए बहुत लोग क्रॉस कर गए लेकिन कोई भी रोका नहीं तो हमारे समाज में भी यही होता है कि हम लोग दूसरे के दुख को दूसरे के प्रॉब्लम को उतना समझ नहीं पाते उनको सुन नहीं पाते हम लोग अपनी प्रॉब्लम में इतने मतलब उलझे हुए रहते हैं तो कभी कभी आपको बहुत सॉफ़्ट होना चाहिए अगर आप मेरे से बात करें क्या पता मेरे साथ अभी तो पता नहीं क्या हुआ है ऑफिस में कुछ हुआ है ऐसा तुम्हें ऑफिस बहुत प्यारा है या घर में कुछ है पर्सनली इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है और अगर आप भी मेरे से रूडली बात करेंगे तो एक और आहत देने से अच्छा है कि क्यों ना आप तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते क्यों ना आप मेरे से अच्छे से बात कर ले क्यों ना आप मेरे से सॉफ्टली बात कर ले तो शायद मैं कुछ टाइम के लिए अपने प्रॉब्लम्स भूल के उसे मैं स्माइल कर दूं ये सबसे बड़ा आज के सोसाइटी में सबसे बड़ा इफ़ यू वांट टू अर्न कि आप चाहते हैं कि भगवान जी जो हैं वो थोड़ा आपका सुने और आपको भलाई अर्न करना है तो ये सबसे बड़ी भलाई है कि अगर आप उनकी बात प्यार से सुन लें अब इन ये बैठ के रोने लगे बहुत लोग हैं रोड पे आसपास बहुत लोग हैं एक बाइक वाला गया और उसने बाइक रोका और बोला कि क्या हुआ तुम इतना रो क्यों रहे हो तो वो लड़का बोला कि भाई सब कुछ खत्म हो गया है सब कुछ खत्म हो गया है तो बाइक वाला बोला कि रो मत भगवान तुम्हारी ज़रूर सुनेगा और बस आगे बढ़ो बस इतनी बात थी बस इतनी बात थी और उसके बाद ये उठे इनका लॉ ऑप्शनल था इन्होंने एग्ज़ाम क्रैक किया और अभी ये लॉ में बहुत बड़े ऑफिसर हैं ठीक है ठीके? नाम मैं नहीं बताऊंगी लेकिन बहुत बड़े ऑफिसर हैं और ये इनकी स्टोरी है तो ऐसा ही है लाइफ लाइफ ऐसा ही है तो क्या होता है कि कभी भी कुछ भी बहुत खत्म हो सकता है और कभी आप बस उस एकदम वीक मोमेंट में थोड़ा सा एनर्जी डाल देंगे ना कि करना है मुझे मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा तो उसके बाद वंडर्स कैन हैपन वंडर्स में कैन हैपन है ना तो जो वहां पे अगर वो क्विट कर देते या फिर कुछ गलत स्टेप ले लेते या लॉ छोड़ देते और एक साल और स्ट्रगल नहीं करते लॉ की डिग्री नहीं लेते ये उन्होंने जुडिशरी का बहुत बड़ा एग्ज़ाम दिया स्टेट का एग्ज़ाम्स होता है ना यूपीएससी पी मतलब यूपीएससी में जुडिशरी होता है बीपीएससी पी जुडिशरी होता है इन्होंने एग्ज़ाम दिया एग्ज़ाम निकला ही इज़ अ जज नाउ और अब ये दूसरे की लाइफ के, के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं प्रोफेशनली भी और पर्सनली भी तो दैट इज़ ओनली सोसाइटी यही है सोसाइटी सोसाइटी बहुत बड़ी चीज़ है आपको हमेशा प्रॉब्लम्स देंगी आपको हमेशा प्रॉब्लम्स देंगी आप उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे आप अपने छोटे से कहानी में आप हीरो बनेंगे और उसके बाद आप उस प्रॉब्लम से सीख लेंगे और उसके बाद आप दूसरों को वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करेंगे अगर मुझे अपने पढ़ाई में प्रॉब्लम हुई फिनेंशियली इशू हुआ मुझे नहीं मिला कॉन्टेंट कहाँ से पढ़ना है तो मैं आपके लिए वो चीज़ करूँगी है ना आप लोग को आज ये फ़ायदा मिलेगा आप कहीं पहुंचेंगे आप दूसरे के लिए वो चीज़ करेंगे तो ऐसा ही होता है

जो लाइन है ना वो चेंज कर दोगे हाथ की रेखा बदलती है ठीक है सो दैट इज द थिंग एंड दैट इज़ लाइफ ओके यस तो ये है स्टेट गवर्नमेंट हैज़ द नेम ऑफ चिप्पी एयरपोर्ट चिप्पी एयरपोर्ट आफ्टर बैरिस्टर नाथपाई तो ये कहां पे है ये चिप्पी एयरपोर्ट और नाथपाई जी कहां के बैरिस्टर हैं कहां के बैरिस्टर हैं जिनके नाम पे ये एयरपोर्ट का नाम बदल दिया गया गाइस हाँ ठीक है तो ये कहाँ के है महाराष्ट्र के हैं बिल्कुल बात सही है फिर है कि विच स्टेट्स विच स्टेट्स राशन स्कीम हैज बीन डिक्लेयर्ड इीगल बाई हाई कोर्ट तो कोर्ट ने कहा है है ना कोर्ट ने कहा है कि यहाँ का राशन स्कीम जो है वो इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया है और ये वेस्ट बंगाल का राशन स्कीम है ठीक है उसके बाद आप देखेंगे कि यूनियन कैबिनेट ने डिसाइड किया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना स्कीम ये कब तक चलेगा? ये कब कब तक तक चलेगा चलेगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना स्कीम ये पहले अक्टूबर में खत्म होने वाला था अब दिसंबर तक चलेगा प्रधानमंत्री थोड़ा सा स्कीम वगैरह पे भी ध्यान दीजिएगा आप लोग है ना उसके बाद आप देखें यहाँ पे ओके तो वेस्ट जोन हाँ बीन हैज वन दिलीप ट्रॉफी दिलीप ट्रॉफी किसने जीता है वे जोन ने जीता है और ये कोयम्बतूर में जीता गया है इस वे जोन के जो कैप्टन है ये कौन है वे जोन के कैप्टन है अजंक्या रहाने अजंक्या रहाने जो है वे जोन के कैप्टन है खुशियों का त्यौहार खुशियों का त्यौहार एक बैंक ने लॉन्च किया है एक बैंक ने लॉन्च किया है ये है आपका बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक ऑफ बड़ौदा ठीक है नेक्स्ट अजय कुमार श्रीवास्तव ये अपॉइंट हुए हैं एम डी एन सी ओ तो अजय कुमार श्रीवास्तव जो है वो अपॉइंट हुए हैं एम डी एन सी ओ तो अजय कुमार श्रीवास्तव किस बैंक के एम डी एन सी ओ अपॉइंट हुए हैं ये इंडियन ओवरसीज बैंक है जिसके ये एम डी एन सी ओ अपॉइंट हुए हैं नेक्स्ट आप देखेंगे हु हैज लॉन्च ऑपरेशन गरुड हु हैज लॉन्च ऑपरेशन गरुड तो ये एलिमिनेट करेगा गरुड क्या करेगा कि इनलीगल ड्रग ट्राफिकिंग होते हैं कुछ बच्चे जो है ये सब फालतू चीज में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं ठीक है क्या पता वो भी कुछ बहुत बड़ा बात काम कर सकते होते तो ये लॉन्च किया गया है एस बी सी बी आई द्वारा ठीक है सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन द्वारा नेक्स्ट आप देखेंगे चेंज मेकर अवार्ड एट यू एन एस डी जी तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ये चेंज मेकर अवार्ड एक्शन अवार्ड इसके लिए अभी किसको सम्मानित किया गया है गई इसको इसके लिए किसको सम्मानित किया गया आपको पता है आंसर सम्मानित किया गया सृष्टि बख्शी को सृष्टि बख्शी इसके लिए सम्मानित हुई अभी अभी नेक्स्ट आप देखें आई सी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी तो ये साउथ जोन का है और आपको बताना है ये कहाँ पे सेटअप होगा तो वायरोलॉजी के लिए ऐसा तो पुणे बहुत फेमस हो गया था अब ये बेंगलुरु में भी सेटअप होगा ब्रेड फॉल फॉर ऑल तो वेंडिंग मशीन्स लगी है आपने कुछ नहीं करना है उसमें ऐसा ऐसा घुमाना है हाँ जी बिल्कुल हिमांशु यादव आपसे ही बोल रहे हैं तो घुमा देना और फिर ब्रेड मिल जाएगा तो ये बहुत अच्छा शहर है कोई भूखा नहीं रहेगा दुबई है ये ठीक है और वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक समिट भी कहाँ हुआ है तो दुबई में हुआ है ठीक है इकोनॉमिक समिट फिर आप देखेंगे मोंडिया कल्ट कल्ट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस है ठीक है यूनेस्को का ये कॉन्फ्रेंस है और आपने बताना है कि ये जो कॉन्फ्रेंस है ये कहाँ पे होगा ये कॉन्फ्रेंस होगा मेक्सिको में अगला सवाल है हाँ अगला सवाल है कि ये जो कॉन्फ्रेंस है इस कॉन्फ्रेंस में फॉर यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन है तो ये ताशकंद में हो रहा है इसी चीज़ का जो कॉन्फ्रेंस है तो बेसिकली यूनिवर्सल एक्सेस फॉर इंफॉर्मेशन ये आपका ताशकंद में हो रहा है नेक्स्ट नेक्स्ट आप देखेंगे कि यहाँ पे पूछा जाए आपसे कि फर्स्ट क्लाउड रिजन तो टेक्नोलॉजी मेजर तो अभी तक क्या होगा गूगल क्लाउड और ये सब चीज़ें चल रही हैं तो हम लोग फोन में कुछ सेव नहीं करते ऐसे क्लाउड में उसको डाल देते हैं तो ये फर्स्ट क्लाउड रिजन ग्रीस में चलेगा ये गूगल द्वारा है विच कार्ड कंपनी इज सेट टू लॉन्च कार्बन कैलकुलेटर तो कौन सा ये कार्ड कंपनी है जो कि कार्बन कैलकुलेटर यानी कि बताएगा यार कि कितने कार्बन जो हैं वो एम हो रहे हैं वातावरण में तो ये कार्बन है ये मास्टर कार्ड कंपनी ने इसको लॉन्च किया है ए एस आई एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया तो हु हैज़ बीन यूनानी इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया तो यूनानी मसली यूनानी मसली इनको किया गया है इनका नाम है एन एस रंजन ठीक है राजन राजन फिर आप देखेंगे कि कौन से इंडियन है टू व्हीलर कंपनी कौन सी इंडियन टू व्हीलर कंपनी है जिसने अभी एक्टर रामचंद्रन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया रामचरण जो हैं वो किस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रामचरण किस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं ये ब्रांड एम्बेसडर बने हैं हीरो मोटो के नेक्स्ट बताएंगे हु हैज बीन अपॉइंटेड हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फिफ्टी नेशनल प्रेसिडेंट

ताकि प्रोजेक्ट चौदह प्रोजेक्ट को यहाँ पे किया जा सके इस पे काम हाउ मे टॉप स्टार्टअप इन इंडिया लिस्टेड इन लिंक 2022? तो कितनी कंपनी को यहाँ पे uh, लिस्ट किया गया है कंपनीज हैं टोटल 25 कंपनीज हैं नेक्स्ट बताएंगे नोबेल प्राइज इन फिजिक्स नोबेल प्राइज फिजिक्स में किसको मिला है बता दो ये तो बताओ तुम लोग ये मैं नहीं बता रही ये मैं नहीं बताऊंगी ये तुम बताओगे चिन चैन तो मैं आ, मेरे कुछ एक भैया हैं दूर के कज़न हैं तो वो रहते हैं यहीं पे अब सुबह सुबह जो है कभी कभी जब मैं जाती हूँ वहाँ पे उनके बच्चे बड़े छोटे हैं क्या क्या हम कार्टून देख चुके हैं आजकल का कार्टून हमको नहीं अच्छा लगता है एक तो चिनचन और नोबिता वो तो चलो फिर भी ठीक है एक और क्या कार्टून देखता है वो शार्क बेबी शार्क ट वेरी इरीटेटिंग इट इज़ वेरी आप लोग का कोई फेवरेट कार्टून है क्या तुमको तो अच्छा लगेगा ही बेबी शार्क हैं थोड़ी देर में सिर दर्द होने लगता है ना बेबी शार्क कौन देखता है भाई बेबी शार्क हम लोग के टाइम में कितना अच्छा अच्छा कार्टून था डेक्स्टर फिर एक था पावर ऑफ गर्ल्स टॉम एंड जेरी ऑल टाइम फेवरेट मैं अभी भी टॉम एंड जेरी देखती हूँ ऐसा तो तुम लोग को बताना बहुत खतरनाक है तुम लोग पता नहीं फिर बोलने लगते हो बिल्कुल ऑल है इसका आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन कभी कभी मैं नोस्टाल्जिया में चले जाते हैं छोटा भी छोटा एक और देता था आगे नोडी नोडी फिर एक और अच्छा था उसका था बॉब द बिल्डर करके ऑगी एंड द कॉकरोच बस मोटू पतलू शुरू हो गए तुम लोग टॉम एंड जेरी डोरे सही है अच्छे थे बचपन के दिन चलो वंदे मातरम इनिशिएटिव इन द स्टेट तो बेसिकली वंदे मातरम ये लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र द्वारा ठीक नेक्स्ट आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जंगल बुक बहुत अच्छा था बिल्कुल बात सही है बिल्कुल बात सही है ठीक है यस 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 नोबिता टॉम इंजरी बस बेन टेन हाँ एक ये भी था ओके मॉल चलो हो गया ऑसवर्ड हाँ ऑसवर्ड अच्छा था बिल्कुल अब पूरा एकदम

देवेंद्र लाल देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल 2022 तो देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल 2022 रॉक्सी मैथ्यू कोल को मिला है ये कृति ने कीर्ति है के आई आर टी आई ना जी नेम व्हिच इज द फर्स्ट कंट्री टू अनाउंस अ जीरो एक्सटेंट एक्सटेंशंस थिंक इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज यू नो टारगेट फॉर इट्स एंड एनिमल तो ये कंट्री बोल रहा है कि अब कोई भी एनिमल या कोई भी प्लांट विलुप्त नहीं होने देंगे एक्सटिंक्ट नहीं होने देंगे तो ये कौन सा है ये है आपका ऑस्ट्रेलिया अच्छा एक वर्ड है एंडेमिक एंडेमिक का मतलब क्या होता है एंडेमिक एपिडेमिक तो हुआ कि चलो ठीक है एपिडेमिक हो गया पैंडेमिक हो गया कि कोई अकाल पड़ गया है ना एंडेमिक का मतलब क्या होता है एंडेमिक का मतलब होता है कि वो प्रजाति प्लांट का हो या एनिमल का हो पर्टिकुलरली उसी जगह में मिलता है ठीक है तो, तो दैट इज एंडेमिक चलो नेक्स्ट नेक्स्ट है कुद लादा कुछ लदा ठीक है कुड लदा पीली पड़वा टाइगर डांस कंपटीशन तो ये जो टाइगर डांस कंपटीशन है ये किस स्टेट या यूटी में शुरू हुआ है कर्नाटका में शुरू हुआ है तो ये पीली पड़वा ये टाइगर डांस कंपटीशन है कर्नाटका में शुरू हुआ है सेशन को लाइक नहीं कर रहे हैं बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है और शेयर तो पता नहीं करने में तुमको लगता है कि पैसा नहीं लगता है गाइज इट इज़ फॉर फ्री लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल इज फॉर फ्री ठीक है यूनाइटेड नेशन रेफ्यूजी एजेंसी प्रेसड प्रेस जो इसके प्रेस्टिजियस नानसन अवार्ड है तो ये नानसन अवार्ड दिया गया है एंजलिना मर्कल को एंजलिना मर्कल को ये अवार्ड दिया गया है नानसन अवार्ड ऑप्टिमम ऑप्टिमम क्या है एक आपका ह्यूमेनॉइड ह्यूमेनॉइड यानी कि इंसान जैसा हम भी सोच रहे हैं कि एक रोबोट बनाए अपने हिसाब से कभी कभी बोर हो जाते हैं हम कोई तो समझेगा मेरे दुख दर्द को हाँ जी तो ह्यूमेनॉयड रोबोट तुम लोग तो समझ नहीं रहे हो कि पढ़ाई करना है लाइक शेयर सब्सक्राइब उसी से करवाएंगे हम तो यहाँ पे ये है टेस्ला द्वारा इसको बनाया गया है हाँ जी टेस्ला द्वारा बनाया गया है बिल्कुल ऑप्टिमम नाम है इसका याद रखेंगे नेक्स्ट चाइल्ड गर्ल चाइल्ड डे गर्ल चाइल्ड है अच्छा तुम लोग तो ऐसे बात करते हो कि निम्मा निम्बी से कि हम लोग का शादी होगा फिर एक लड़का एक लड़की ऐसा एक बात हम और बोलेंगे कि यूथ जो है ना अपने लाइफ का बहुत बड़ा टाइम और अच्छा टाइम फालतू चीज पे वेस्ट कर रहा है आपको नहीं लगता अगर आप सोचोगे कि 24 घंटे को हमने बहुत गंदी तरीके से बर्बाद कर दिया है लाइफ में आपको भगवान जी बोलते हैं ना ब, हे भगवान मुझे ये दे दीजिए हे भगवान मुझे वो दे दीजिए भगवान जी सबसे बड़ा चीज़ पता है क्या देते हैं आपको 24 घंटे जैसे आज अगर आप हैं और आपको लाइफ में क्या मिला है भगवान जी से गिफ्ट 24 घंटे यकीन मानिए बहुत सारे लोगों को वो नहीं मिला है और चौबीस uh, अच्छे टाइम चौबीस घंटे का अच्छा टाइम जिसमें तुम कुछ भी कर सकते हो लेकिन तुम क्या करोगे तुम फ़ोन करोगे क्योंकि तुम्हारा जो बैलेंस है वो फ्री वाला हो गया है रिचार्ज के बाद एयरटेल जियो है ना और क्या तुम बोलोगे हाँ और बताओ क्या कर रही हो क्या खाई फलाना ढेगाना तो इसमें टाइम वेस्ट मत कीजिएगा गर्ल चाइल्ड डे होता है आपका 11 अक्टूबर को ये भी आंसर आप लोग गलत बता रहे हैं चले तो अगला सवाल है कि हैज बीन डिक्लेयर्ड तो बोला गया है कि 24 ट्वेंटी फोर इंटू सेवन सोलर पावर्ड सोलर पावर्ड विलेज है ना बोल रहे फालतू तो बात करने में मजा आता है मेले बाबू ने खाना नहीं खाया थाना था ठीक है सोलर पावर विलेज ये है मोदे मोदेरा, मोदेरा, मोदेरा. ये आपका चल रहा है नेक्स्ट आप देखेंगे थर्टी सेवन नेशनल गेम्स इन अक्टूबर 2023 तो नेशनल गेम्स अक्टूबर 2023 का थर्टी सेवन ये कहाँ पे होगा तो so अभी हो गया है थर्टी सिक्स एडिशन हो गया है गुजरात में थर्टी सेवन होगा गोवा में अगला है विद स्टेट या यूटी इज होस्ट ऑफ हेली इंडिया समिट तो हेली इंडिया समिट का ये स्टेट और यूटी होस्ट बना है ये है जम्मू एंड कश्मीर है ना जम्मू एंड कश्मीर नेक्स्ट आप देखेंगे कि व्हाट द नेम ऑफ चंद्रयान स्पेक्ट्रोमीटर तो चंद्रयान टू और एक्स एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर का नाम क्या है ये है आपका क्लास ये है आपका क्लास ठीक है क्लास इसका नाम है नेक्स्ट वट विच कंट्री कौन सा शहर है कफाउ वन सैटेलाइट कफाउ वन सैटेलाइट टू अनिवील द सीक्रेट ऑफ सन तो बेसिकली एक कंट्री है जिसने एक सैटेलाइट लॉन्च किया है इसका नाम है कफाउ 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 वन सैटेलाइट और इसने कहा है कि सीक्रेट ऑफ द सन को हम बिल्कुल निकाल के रहेंगे तो ये चाइना है और ये चाइना कह रहा है कि कफाऊ सेटेलाइट को जो हम लॉन्च किया है ना ये हमको बता देगा कि सन का सीक्रेट है क्या अच्छा एक बात बताओ धरती का सीक्रेट क्या है अगर हम बोलेंगे कि धरती में एक छोटा सा बात सुन लीजिए ऐसे तुम तो लोगों को बात सुनने का आदत जो है वो पता है ना किसी किसी का इवोल्यूशन हो जाता है मम्मी पापा का बात तो सुनता ही नहीं मेरा क्या ही सुनोगे ये अर्थ है ये मेंटल है ये कोर है ठीक है तो हम बस आपसे ये पूछ रहे हैं कि ये जो अर्थ है इसको हम क्रस्ट कहते हैं ये जो बीच वाला है इसको हम मेंटल कहते हैं ठीक है और अंदर वाला कोर कहते हैं अब ये कोर दो मेटल से बना हुआ है मेटल वन और मेटल टू तो मेटल वन और मेटल टू कौन सा मेटल है क्या आप बता सकते हैं ये धरती का जो कोर है है ना ये किस मेटल से बना हुआ है बस इतना सा बात बताना है तो ये बना हुआ है किससे निफे से बना हुआ है याद रखिएगा एन आई और एफ ई निफे से बना हुआ है एन आई का मतलब होता है निकल और एफ ई का मतलब होता है आयरन और याद रखेंगे आप एक और चीज शक्ति वकर्मन फेको लिखे, फेको निकू जिंक शक्ति यानी कि आर्टिकल मतलब इत, थर्टी जिंक क्या है थर्टी याद रहेगा ना गाइस तो ये याद रखिएगा कि धरती का जो अंदर वाला पार्ट है ये कोर है और ये आपका बना हुआ है इससे ऑन अ ब्रॉडर पिक्चर अगर आप देखेंगे तो क्रस सॉलिड है मेंटल लिक्विड है और कोर सॉलिड है लेकिन उसके बाद हम और भी बात करते हैं इनर कोर और आउटर कोर एक और बात याद रखेगा कि कोर को बैडी स्फेयर भी कहा गया है तो बैडी स्फेयर पर अगर बात होगा ना तो ये कोर है और अगर आप मेंटल uh, के अपर मेंटल को बात करते हैं जो कि क्रस्ट के कुछ पार्ट के साथ आता है तो आप इसको क्या कहते हैं इसको आप कहते हैं एस्थेनोस्फेयर ठीक है, है? एस्थेनोस्फेयर और uh, बेसिकली ऊपर वाले को आप लिथॉसफेयर कहते हैं तो पहले लिथॉसफेर है फिर एस्थोनोसफेयर है फिर बैरिस ठीक है थीके? तो ये सब चीजें भी कभी 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 कभी, कभी आपसे पूछ ली जाती है अगर आपसे पूछा जाएगा कि लावा कहाँ से निकलता है तो आप हमेशा याद रखेंगे कि लावा जो है वो आपके एस्थोनोसफेयर से निकलता है अब मेड इन इंडिया ड्रोन है जिसका नाम है द्रोनी मेड इन इंडिया ड्रोन है जिसका नाम है द्रोनी और मेड इन इंडिया ड्रोन ये मैनुफैक्चर किया गया है गरुद एरोस्पेस से एरोस्पेस द्वारा इसको मैन्युफैक्चर किया गया है कहा एंड कल्चर इसका है। तो एक सेमिनार था अग्नि तत्व कैंपेन पे और सस्टेनेबिलिटी एंड कल्चर इसका थीम है आ, अच्छा आप लोग किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जी के अलावा वो भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में देखा जाए कि बच्चे जो हैं वो सही राह पे हैं कि भटक गए हांजी एटी फर्स्ट एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन रोड्स कांग्रेस तो एनुअल कन्वेंशन चल रहा है रोड पे भी कांग्रेस चल रहा है तुम लोग भी ऐसे बनोगे ना अधिकारी वगैरह तो ऐसे इसी टाइप की चीज का काम करना है जैसे तुमसे अगर कभी इंटरव्यू में पूछ लिया गया सुनिएगा तो कभी कभी होता है ऐसे कि पूछ लिया गया तुम्हारे किसी सबॉर्डिनेट ने तुम्हारे जूनियर ने ऐसा ऐसा कोई बड़ा काम कर दिया कोई गलत काम कर दिया ऐसे ऐसे तो जब पटाक से ये मत बोलो हम उसको सजा दिलवा देंगे नहीं कमेटी बनाया जाता है ठीक है कमेटी बनाया जाता है प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया जाता है ऑफिसर का मतलब होता है कि कभी भी वो बायस नहीं होगा कभी भी वो तुरंत एक्शन नहीं लेगा कि नहीं अभी कर देते हैं उसको बता देते हैं गर्दा उड़ा देते हैं ऐसे नहीं यू विल बी वेरी कंपोज यू विल बी वेरी काम एंड यू विल से एक अच्छा ऑफिसर एक ऑफिसर अच्छा नहीं ऑफिसर तुम तभी बनोगे जब ठंडा रहेगा अगर लग रहा है कि सलमान खान जैसा मूवी देख के तो आ, वैसा वैसा नहीं बनता है वैसे लोग अभी ऑफिसर नहीं बन पाएंगे आपको इंटरव्यू में छाट दिया जाएगा इसीलिए हमेशा बी वेरी कूल वी वी वेरी कंपोज, क्योंकि जब तक तुम उस ऑप्टिमम टेम्परेचर पे नहीं आओगे ना तब तक तुम प्रोडक्टिव नहीं हो पाओगे ठीक है तो ये लखनऊ में रोड को किया गया है कुछ बच्चे हैं हमारे साथ सी डी एस और के भी हैं तो बहुत अच्छा है आप लोग के लिए तो ये बात बहुत बड़ी है और मैं ये भी बोलूँगी कि ये जो मैंने अभी एक स्टोरी सुनाई थी आपको ये लॉ वाली तो इस स्टोरी को अगर आप पी में भी लिखते हैं इस टाइप के स्टोरी को तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे क्योंकि आप सोचे ना जब मैंने वो स्टोरी सुनाई तो आपको नहीं लगा कि आगे क्या हुआ आगे क्या हुआ जानना चाहिए तो पी का भी वो एक एक एग्जाम्पल था एस में पहला दिन आपको एक स्टोरी लिखना होता है फोटो देख के तो इस टाइप के स्टोरी को ऑप्टिमिस्टिक स्टोरी को लिखेगा बड़ा अच्छा आपको नंबर आएगा ठीक है विथ स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनवील्ड द पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मोबाइल ऐप तो ये है आपका राजस्थान ने इसको अनवील किया है नेक्स्ट देखेंगे वाटर स्पोर्ट्स सेंटर वाटर स्पोर्ट्स सेंटर ये आपका हिमाचल प्रदेश में है और ये अनुराग ठाकुर जी ने ये वाटर स्पोर्ट्स सेंटर यहाँ पे इसको इनोग्रेट किया है नेक्स्ट हु हैज बीन एक्वायर्ड विद द हाईएस्ट प्राइज इन अपकमिंग रुपे प्राइम वॉलीबॉल लीग तो अपकमिंग रुपए प्राइम वॉलीबॉल वौल लीग का ये ऑप्शन हुआ और यहाँ पे यहाँ रोहित कुमार को यहाँ हाईएस्ट प्राइज मिला तो आईपीएल होता है वैसे वॉलीबॉल वौल हो गया ठीक है तो वॉलीबॉल वौल, हाँ जी बिल्कुल ठीक है तो ये रोहित कुमार को मिला है नेक्स्ट सवाल है सज्जन प्रकाश जी ने आठ मेडल जीते हैं छत्तीसवें नेशनल गेम में सज्जन प्रकाश क्या खेलते हैं तो सज्जन प्रकाश जी जो हैं वो खेलते हैं मतलब स्विमिंग करते हैं और ये माधवान जी के जो पुत्र हैं वो भी स्वयं करते हैं है ना चले स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम रिसेंटली तो ये जो स्टेट है इसने ये नागालैंड स्टेट है हमारा हरदीप सिंह पुरी इनको इन्होंने इनाग्रेट किया फिफ्थ साउथ एशियन जियो साइंस कॉन्फ्रेंस तो फिफ्थ साउथ एशियन जियो साइंस कॉन्फ्रेंस हरदीप सिंह पुरी ने इनागरेट किया है यह है जयपुर जयपुर में इनगरेट किया है नोवा दुनिया भर का बेटा टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में गोहिर हुसैन अंसारी जी आपको टेलीग्राम ग्रुप में इसका पीडीएफ मिल जाएगा हाँ जी हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, बिल्कुल नाइन्थ वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस ये गोवा में हुआ आयोजित ठीक है नेक्स्ट आप देखेंगे धर्मेंद्र प्रधान जी ने इनागरेट किया है आई आई नेवन द फर्स्ट एवर ऑल आईआईटी रिसर्च एंड डेवलपमेंट आर एंड डी शो रिसर्च एंड डेवलपमेंट शोकेश शुरू हुआ है और ये शोकेश आई दिल्ली में शुरू किया गया है नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ हर्जेगोविनिया तो भारत का हु काम्बेडर तो ये एम्बेसडर हैं इनका नाम क्या है पार्थ सतपति इनका नाम है पार्थ सतपति इनका नाम है नेक्स्ट विच सिटी हैज होस्टेड नाइन्थ जनरल असेंबली ऑफ इंटरपोल तो कौन से शहर ने नाइन्थ नाइन्टीथ नौ उन्नीसवा नहीं नौवा भी नहीं नब्बे नाइन्टी ठीक है यहाँ पे इंटरपोल में देखिए अभी क्या हुआ है आप एक चीज़ नोटिस किए एक चीज़ नोटिस किए तो अभी तक मेरा एनर्जी बहुत हाई था है ना फिर अचानक से कुछ हुआ और मेरा एनर्जी डाउन हुआ सुनिएगा ध्यान से और फिर मैंने इसको गलत पढ़ दिया और अब गलत पढ़ दिया और मैं शायद गलत आंसर दे दूँ राइट यही चीज़ एग्जाम में भी होता है यही इसी चीज़ को कंट्रोल करना है इसी चीज़ के लिए टेस्ट बनाने बोला जाता है आप लोग भी देखिए आप कभी एनर्जी जो है ना मेरे को ग्राफ मिलता है यहाँ पे ठीक है तो वो ऐसे जा रहा है ऐसे कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो रिप्लाई कर रहे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट जो देख रहे हैं उसका एक ग्राफ बनता है यहाँ पे और वो नीचे हुआ है नीचे हुआ है इसका मतलब एग्जाम में भी ऐसा ही एग्जैक्ट यही चीज़ होता है एग्जैक्ट यही चीज होता है और इस चीज़ पे जो बच्चा कंट्रोल कर लेगा ना इस चीज पे जो बच्चा कंट्रोल कर लेगा गाइस, उसका एग्जाम निकलना ही निकलना है यानी कि अगर आपने ये बात समझ ली कि मैं एकदम हाई एनर्जी पे रहूंगा फर्स्ट क्वेश्चन में हाई एनर्जी मैं भी क्लास एकदम हाई एनर्जी से स्टार्ट करती हूं लेकिन पढ़ते 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 या पूरे दिन में भी या एग्जाम में भी आपका एनर्जी ऐसे जाएगा बस क्रैश मत कर जाना हम समझ रहे नीचे जाएगा आई डोंट आई एम नॉट से तुम सुपर हीरो नीचे जाएगा ही नहीं हम कह रहे हैं कि नीचे जाएगा लेकिन जैसे नीचे जाए ऊपर हो जाना जैसे तुमको लगेगा कि एरोप्लेन नहीं होता है ठीक है तो ये चीज दिस इज इंपॉर्टेंट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप नीचे होंगे एग्जाम में भी होंगे प्रिपरेशन के दौरान भी होंगे लाइफ में भी होंगे लेकिन प्लीज उस समय ब्रेन को सोने मत देना उस समय ब्रेन को उठा लेना और उठो उठो ठीक है तो अभी ऊपर 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 और ऐसे ही करना है हर बार ऐसे ही करना है यू आर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ठीक है यस तो बिल्कुल भी एनर्जी को डाउन नहीं करना है एनर्जी को ऊपर लेके चलना है प्रिपरेशन का दौर बहुत लंबा होता है जो सी डी एस का एग्जाम को तैयारी कर रहे हैं अप्रैल में एग्जाम है उनका गाइज नवंबर है दिसंबर है जनवरी है फेबररी है मार्च है अप्रैल है होगा ऐसा किसी दिन बहुत डाउन होगा किसी दिन ऊपर होगा ऐसे ऐसे होगा दैट आई नो लेकिन बस इतना याद रखना कि हाँ तुम आज डाउन हो बहुत लोग से समझ रहे हो कि आज तुम डाउन हो लेकिन सिर्फ तुम और सिर्फ तुम खुद को समझा सकते हो कि तुम आज थोड़े से और समय तुमको एकदम तुरंत टेक ऑफ करना है ओके यस दैट इज द दैट इज द ट्रिक दैट इज द ट्रिक ऑफ टॉपर दैट इज द ट्रिक जिससे तुम्हारा एग्जाम निकलेगा so समझ में आ रहा है पढ़ते पढ़ते हर चीज समझ में आ जाएगा ठीक है हाँ एफ कैट का एग्जाम फरवरी में है और डी का एग्जाम आज से और एस एस जे का एग्जाम परसों से चले तो इंटरपोल का नाइन नब्बे जनरल असेंबली जो है ये आपका न्यू दिल्ली में होने वाला है अंबेडकर ला अ लाइफ ऑफ बायोग्राफी ऑफ भीम राव रामा जी अम्बेडकर ये लाइफ अ लाइफ इज बायोग्राफी ऑफ भीम राव रामा जी अम्बेडकर ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है शशि थरूर द्वारा ये किताब लिखी गई है शशि थरूर द्वारा ये किताब लिखी गई है यस yes. अच्छा एक बहुत अच्छा सा मैं एक बात बताऊंगी डिफेंस का फुल फॉर्म तो डिफेंस का मतलब पता है क्या होता है जैसे जो बच्चे एक मिनट का मुझे बस समय दीजिएगा कुछ कुछ चीजें आज पता नहीं मेरे को इतना इनोवेटिव क्यों आ रही है तो इसको कल लिखा गया था तो डी का फुल फॉर्म होता है डेली डेवलपमेंट ई का फुल फॉर्म होता है एक्सट्रैक्ट द कॉन्टेंट तो आपको कॉन्टेंट का जो निचोड़ है जो एक्सट्रैक्ट है वो निकालना पड़ेगा एफ का मतलब होता है फॉलो द स्टेप्स ई का मतलब होता है इफिशियंट यूज ऑफ टाइम एन का नंबर होता है नंबर ऑफ क्वेश्चन टू अटेम्प्ट आपको कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है सी का मतलब होता है कंटिन्यू रिविजन और ई e का मतलब होता है एनर्जी हाई तो दिस इज डिफेंस अगर आप में ये सारी चीजें हैं तो हाँ बिल्कुल आपका एग्जाम निकल जाएगा ठीक है चलें बढ़िया तो बहुत सारे बच्चे हैं डिफेंस में जाना चाहते हैं उनके लिए ये बात कहनी जरूरी थी तो अब आप देखेंगे अब आप देखेंगे कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन केमिकल एंड फर्टिलाइजर ठीक है बोल रही है शिवानी कह रही है कि आज आपका मूड ऑफ है क्या या फिर स्टूडेंट का एग्जाम है तो आप परेशान हो अरे ऐसा कुछ नहीं है देख नहीं रहा मैं एनर्जी कितना हाई है है ना तो यहाँ पे बिल्कुल शशि थरूर शशि थरूर जी को पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन केमिकल एंड फर्टिलाइजर के लिए यहाँ पे अपॉइंट किया गया है परेशान तो, तो हूँ मैं डी आरियो का एग्जाम है और मैं एक बात बताऊँ कोई भी सब्जेक्ट जो है ना मैं ये नहीं कह रही कि कोई सब्जेक्ट आसान होता है कोई सब्जेक्ट इजी या आ, मुश्किल है बस एक जो सब्जेक्ट है जिसको मैं पढ़ाती हूँ उसका नाम है जी के क्या ही बोले तो जी के जो है उसमें सब कुछ पढ़ाने के बाद भी समुद्र है ठीक है जब हम सब कुछ भी पढ़ा देंगे ना अपने तरफ से तो वो समुद्र के वो एक बूंद के बराबर बड़ होगा ये फैक्ट जो फैक्ट है हम बच्चों को भी बोलते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि हम बहुत देर आपका क्लास लिया बहुत अच्छा पढ़ाए आपको बड़ा मजा आया हो लेकिन उससे कुछ नहीं आएगा ऐसा भी हो सकता है तो लेकिन आपको क्या करना है ना परेशान मत हो बोलोगे बोलो क्या पढ़ेंगे नहीं आपको क्या करना है आपको एक आइडिया लेना है आपको एक एनर्जी लेना है आपको एक और लेना है आपको एक अंडरस्टैंडिंग लेनी है और उसके बाद आपको जो क्वेश्चन है आपका जो क्वेश्चन है उसको आपको समझना है एलिमिनेट करना है दिमाग को अप्लाई करना है बहुत लोग बोलते हैं कि जीके में क्या है जाके ऐसे टिक 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 कर दो हो गया मैथ्स में तो दिमाग चलाना होगा रीजनिंग में तो दिमाग एफिशिएंट एबिलिटी रीजनिंग एबिलिटी लॉजिकल एबिलिटी ये सब जीके में भी आपको स्ट्रगल करना होगा स्ट्रगल करना होगा अगर क्वेश्चन आपके सामने है और दिमाग ब्लॉक हो गया है तो आता हुआ क्वेश्चन भी गलत होगा आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा तो दिमाग को आपको एकदम चालू करना होता है जब GK का क्वेश्चन है क्योंकि आपने पढ़ा हुआ बहुत चीज है और एक्चुअली सिलेबस उसके ट्रिपल है लेकिन कोई भी व्यक्ति इवन अगर मैं आई को भी बोलूँ टॉपर को भी कितने परसेंट पे टॉपर बनते हैं 55 परसेंट पे लास्ट टॉपर हैं 48 परसेंट पे प्रम्स का कट ऑफ जाता है 50 परसेंट भी नहीं गया है तो सिलेबस में कोई भी इतना ही कवर करता है उस उतने कवर सिलेबस का आपको निचोड़ निकाल के दिमाग को अप्लाई करके किसी भी तरह उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है दैट इज जी के अब फर्स्ट न्यूक्लियर सम्मेलन डिजाइन बाई इंडिया क्या आंसर होगा यहाँ पे है बिकॉज यू नो तो एक चीज होता है कि यू आर लर्निंग द फैक्ट्स फैक्ट्स you know so, और जीके को समझते समझते क्या होता है उम्र गुजर जाती है एग्जाम भी पार हो जाता है तो so, मैंने सोचा जीके को अभी थोड़ा सा समझा दिया जाए yes. और कट ऑफ तो तुम इतना वो ले लो कट ऑफ हर एग्जाम का बेटा बहुत ज्यादा होता है बहुत ज्यादा होता है ठीक है कट ऑफ एग्जाम का बहुत ज्यादा होता है आजकल ठीक है वायरलेंट ओमिक्रॉन वेरिएंट ये बी एफ सेवन जो है यह आया है इंडिया में इंडिया शटरिंग अवेयरनेस डे इंडिया शटरिंग अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर इंडी तो इंडिया शटरिंग अवेयरनेस डे ये 22 अक्टूबर को ऑब्जर्व होता है ठीक है 22 अक्टूबर को ऑब्जर्व होता है वॉट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन फ्रीडम हाउस इन फ्रीडम हाउस इंटरनेट फ्रीडम इंडेक्स तो बोला गया है कि एक फ्रीडम हाउस है जिसने भारत का रैंक निकाला है इसने सारे कंट्रीज का रैंक निकाला है भारत का भी रैंक निकाला है और आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का रैंक कितना दिया गया है भारत का रैंक दिया गया है फिफ्टी वन फिफ्टी वन रैंक है भारत का नेक्स्ट वट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया तो मर्सर सी एफ एस ग्लोबल पेंशन इंडेक्स तो पेंशन इंडेक्स में भारत का रैंक फोर्टी वन दिया गया है और भारत में पहली बार एल्यूमिनियम से बना हुआ मालगाड़ी मालगाड़ी फ्री ट्रेन चला है भुवनेश्वर में चला है ठीक है क्या क्या कहना चाह रहे हैं आप मुझे समझ नहीं आ रहा है मैंने खुद याद नहीं किया है बस क्लास अटेंड किया है फिर भी अपने आप क्वेश्चन सही हो रहे हैं पूजा चौधरी एकदम ये बोल के तुम मेरा एकदम जो मेरा आज टेंशन वाला माहौल है ना उसको तुम बहुत अच्छा ठीक कर दियो थैंक यू थैंक यू सो मच दैट वॉज रियली नीडेड ठीक है आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है सारे बच्चों से हो रहा है आंखों में आंसू जाएंगे मेरे हु हैज बीन हैं प्लेयर टू इन वर्ल्ड वर्ल्ड कप कप की प्लेयर हैं अयान खान ठीक है, है? हाँ जी ठीक है नेक्स्ट है फिफ्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स फिफ्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है ये हुए हैं आपके मध्य प्रदेश में न्यू डिफेंस सेक्रेटरी बाय द बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो डिफेंस सेक्रेटरी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जल्दी से बताइएगा कि कौन सा इसका आंसर हो जाएगा क्या होगा इसका आंसर तो ये जो है इनका नाम है अरमान गिरिधर गिरिधर अरमान गिरिधर ठीक है ये नए डिफेंस सेक्रेटरी हैं अगला है कति बीहू कति बीहू बेटा ये सब याद रख लेना कि बीहू जो है वो कहाँ का फेस्टिवल है बीहू है आपका असम का और ओडीसी कहाँ का डांस है उड़ीसा का है देखो सुनो ध्यान से चार साउथ इंडियन डांस हैं कथक कली मोहिनीअत्तम कथक कली मोहिनीअम केरला का है भरतनाट्यम तमिलनाडु का है कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है और चार नॉर्थ इंडिया का डांस है कथक जो कि पूरे पूरे ओडिशी उड़ीसा का है मणिपुरी मणिपुर का है असम का है, का है। और असम में सतारिया डांस है और फेस्टिवल है बिहू ठीक है चले बढ़िया तो देखिए जो भी फेस्टिवल है ना वो कटाई पे होती है जैसे छठ होता है बिहार में तो छठ भी दो छठ है एक चाती छठ है कार्तिक छठ है तो चैती छठ में क्या होता है कि उस समय उस समय रबी क्रॉप की आ, कटाई होती है अभी के समय जो छठ हुआ है आपको पता होगा दिवाली के जस्ट छः दिन बाद छठ होता है तो इस समय खरीफ खरीफ क्रॉप की कटाई होती है तो हर एक फेस्टिवल जो है वो हमारे फसलों से ही रिलेटेड है वैसाखी देख लो लोहड़ी देख लोहड़ी देख लो उस समय आपका वो भी होता है दही चूड़ा है ना तो ये सारे फसल जो हैं वो कटाई से अच्छी कटाई पे हम क्या करते हैं खुशी मनाते हैं राइट और आप लोग मुझे एकदम खुशी देने के मूड में नहीं लग रहा है मुझे थोड़ा सा यार सेशन को लाइक कर दो शेयर कर दो क्या हो गया नहीं समझ में एग्जाम मजा नहीं आ रहा पढ़ने का मन नहीं है हाँ ठीक है ठीक है ठीक है तो दिल्ली के जो गवर्नर हैं ये हैं आपके सक्सेना जी सक्सेना जी ने कहा है कि सैनिक स्कूल को खोलेंगे चार जगह ठीक है विद स्टेट हैज इनागरेटेड इट्स फर्स्ट इंग्लिश मीडियम जनरल डिग्री तो ये त्रिपुरा है ठीक है ट्वेंटी टू ग्लोबल एडिशन ऑफ ब्लॉक चेंट सबमिट ट्वेंटी टू ग्लोबल एडिशन ब्लॉक चेन समिट का दुबई में हुआ ओके विच ऑफ द कंट्री इज होस्टिंग द यूथ द ग्लोबल यूथ क्लाइमेट समिट तो ये कंट्री है बांग्लादेश नेक्स्ट आप देखेंगे हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रदीप सिंह हाड़ोला है ओके इंडियन एम्बेसी इंडियन एम्बेसी में एनुअल फ्लैगशिप कल्चरल प्रोग्राम चल रहा है सारंग इसका नाम है साउथ कोरिया में ठीक है हु हैज़ बीन डेजिग्नेटेड डेजिग्नेटेड एज द प्रिंसिपल साइंटिस्ट ऑफ इसरो आदित्य एल वन मिशन तो ये है शंकर सुब्रमण्यम के बासमती राइस नंबर वन बासमती राइस ये कहाँ का ब्रांड ये ब्रांड है इंडिया गेट न्यू रेवेन्यू सेक्रेट्री न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी जो है ये कौन बने हैं ये है संजय महोत्र मेहरोत्रा ठीक है मिशन लाइफ मिशन लाइफ प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको लॉन्च किया है मिशन लाइफ आपका गुजरात का है Which company surpasses BSNL to become the largest landline service provider? तो so, ये है आपका Reliance Jio. Which city will host Free Akash for Life Space Conference in November 2022? तो so, ये है आपका देहरादून. ठीक है. Next देखेंगे Who is the shortest serving serving Britain's Prime Minister? तो so, ये ये truths हैं सबसे छोटी हैं मतलब सबसे छोटे काल के लिए time period. एक किताब है A Confused A Confused Mind Story. किताब लिखी गई है साहिल सेठ द्वारा ठीक है हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर एच पी डी फॉर इंडिया बॉक्सिंग यह है वर्नाइड डोने द्वारा ठीक है ग्लोबल डिग्निटी डे ग्लोबल डिग्निटी डे ये आपका थर्ड वेंसडे ऑफ अक्टूबर है ओके चलिए बढ़िया ठीक है अब हम पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ स्टार्ट करेंगे और डिफेंस के जो स्टूडेंट हैं वो प्लीज़ इंजीनियर्स अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन को ज्वाइन कर लें ताकि आप जो है पॉलिटी के लिए भी थोड़ा सा रेडी हो जाएं रेडी स्टडी गो के मूड में हम यहाँ पे ज्वाइन करेंगे कर बाकी अगर डिफेंस के एक सेकेंड आप लोग रुकीगा मैं बता दूँ डिफेंस के जितने स्टूडेंट हैं उनको कुछ नहीं करना है आज उनको मेरे व्हाट्सएप पर बिल्कुल नहीं जाना है उनको जाना है अड्डा ट्वेंटी फोर के वेबसाइट पर अगर आपके पास अड्डा ट्वेंटी का ऐप है दैट इज़ वेरी गुड दैट विल बी द बेस्ट थिंग तो आप अडर ट्वेंटी फोर सेवन का ऐप को इंस्टॉल कर लें जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको मिल जाएगा वहाँ से आप जाएंगे गूगल प्ले स्टोर में वहाँ से आप ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे हाँ जी और जिनके पास वेबसाइट है वो सीधे ऑल कोर्सेज में जाएंगे डिफेंस पे जाएंगे डिफेंस पे जाते ही आपको सारे एग्जाम्स दिखेंगे ए ओ भी एक एग्ज़ाम आ गया अच्छा है एफ़ कैट है सी डी एस है ए ओ सी है सारे एग्जाम्स हैं आपके पास तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप सी डी एस की तैयारी कर रहे हैं तो आप प्लीज़ 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 अपनी तैयारी को थोड़ा सा सीरियस और बनाइए और पैसा जो होता है ना टोकन चीज़ दस रुपये भी हो गया तो उससे थोड़ा सा चीज़ जो है वो सीरियसनेस की ओर चला जाता है है ना तो इसीलिए भी एक होता है गुरु दक्षिणा उसको देने से शुरुआत भी हो जाती है तो ओ है ओ का ये बैच है फॉर एग्जाम्पल ओ में आपका इंग्लिश आता है और जी आता है इस एग्जाम को क्वालिफाई करके आप एस में जाते हैं एस में आप रिकमेंड होकर एक लेफ्टिनेंट बनते हैं देश का नाम रोशन करते हैं मेरा भी नाम थोड़ा सा रोशन कर लेते हैं वाई तीन सौ बत्तीस को आप अप्लाई करेंगे कोड वाई थ्री थ्री टू को आप अप्लाई करेंगे और ये आपको वन एट थ्री नाइन रुपीज़ में ये आपको सी डी एस का बैच मिल जाएगा आपको एफ़ कैट का बैच भी सेम तरीके से मिलेगा ठीक है डिफेंस में आप गए एफ कैट का बैच या ए ओ सी का बैच एन डी ए अग्निवीर सारे बैचेस आपको मिल जाएंगे अगर आपको लगता है कि मुझे सारे बैचेस ही चाहिए मुझे एक ऐसा जगह चाहिए जहाँ पे मेरे को ई e बुक्स मिल जाए मेरे को टेस्ट सीरीज़ मिल जाए मुझे डिफेंस से रिलेटेड एग्जाम में और कुछ करने की जरूरत ना पड़े तो यहां के लिए आप क्या करें आप व्यू ऑफर्स में जाएं व्यू ऑफर्स में जाएंगे कोड यूज करेंगे कौन सा वाई तीन सौ बत्तीस और अप्लाई कर देंगे और यहां पे थ्री टू वन नाइन रुपीज में आपको ये डिफेंस का महापैक मिल जाएगा पूरे एक साल के लिए आपको जितनी भी चीजें पढ़नी होंगी आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है दिस इज द दल्यूशन यस तो गाइज ओके तो जिनको कंटिन्यू करना है पॉलिटी वो इंजीनियर सड्डा पे आ सकते हैं एंड थैंक यू फॉर द यू गेव ठीक है चलिए ओके